जारी महामारी के कारण घाटे और आर्थिक अस्थिरता का सामना करते हुए जम्मू में पुंछ और कश्मीर में बारामूला के व्यापारियों ने सरकार से भारत और पाकिस्तान के बीच अक्रॉस बॉर्डर ट्रेड को फिर से शुरू करने की अपील की है, जिसे अप्रैल 2019 में सस्पेंड कर दिया गया था। 2008 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के रूप में एलओसी के नज़दीक पुंछ रावलाकोट और उरी मुजफ्फराबाद से कारोबार शुरू हुआ था, जो एलओसी के नज़दीकी रहने वाले ग्रामीणों के लिए आजीविका का एक बड़ा साधन बन गया था, जहां उन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार मिला था। 19 अप्रैल 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हथियारों, नकली करेंसी और नशीले पदार्थों को फनल करने के लिए पाकिस्तान स्थित तत्वों द्वारा व्यापार मार्गों के दुरुपयोग का हवाला देते हुए इस ट्रेड को सस्पेंड कर दिया था। पुंछ रावलाकोट ट्रेड एसोसिएशन का कहना है कि 20,000 से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिला था। व्यापार सस्पेंड होने के बाद से चक्कंदाबाग पुंछ में स्थित ट्रेड सेंटर में मजदूर के रूप में काम करने वाले युवा रोजगार की तलाश में दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। व्यापार जो सप्ताह में 4 बार किया जाता था ने इस क्षेत्र में एक माइक्रो इकोनॉमी का निर्माण किया था और ट्रक ड्राइवरों, सहायकों, मजदूरों, ढाबा मालिकों सहित कई लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया था। सरकार ने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए 21 वस्तुओं को मंजूरी दी थी, जिनमें प्रमुख रूप से सूखे मेवे, फलों के मसाले और कढ़ाई वाले सामान शामिल थे। यह कारोबार बार्टर सिस्टम यानी माल के बदले माल का आदान प्रदान पर बेस्ड था और इसमें करेंसी शामिल नहीं थी। जानकारी के मुताबिक इस बारे में क्रॉस एलओसी ट्रेड से जुड़े कारोबारियों ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए और होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें अवैध गतिविधियों पर सभी जांचों के साथ व्यापार फिर से शुरू करने की मांग की गई। ब्यूरो ऑफ रिसर्च ऑन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक फंडामेंटल्स द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक 2008 और 2019 के बीच इन दोनों पॉइंट्स पर 7500 करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज किया गया था। इस अवधि में जम्मू और कश्मीर में ट्रांसपोर्टर्स के लिए 1,70,000 से अधिक वर्कडे और करीब 66.4 करोड़ रुपए का माल ढुलाई रेवेन्यू जनरेट हुआ। स्टडी में कहा गया कि 1,11,113 ट्रक से भरे सामानों का आदान प्रदान किया गया और मजदूरों को 90.2 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया। पुंछ रावलाकोट ट्रेड एसोसिएशन का कहना है कि व्यापार ने दोनों देशों के बीच संबंधों को भी मजबूत किया। एलओसी के दोनों किनारों पर कई अलग अलग परिवार रह रहे हैं। व्यापार उनके लिए एक तरह की ताकत बन गया था। व्यापार के निलंबन के बाद से हम अलग थलग महसूस करते हैं। महामारी ने स्थानीय व्यापारियों के लिए फाइनेंशियल ट्रबल भी पैदा कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी प्राथमिकता है, लेकिन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा कड़ी मॉनिटरिंग के दरमियान व्यापार फिर से शुरू किया जा सकता है। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defense Road, Pathankot. जीके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।